अनिल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिवान जिले के गोरिया कोठी प्रखंड के सानी बसंतपुर पंचायत में, जहाँ पे यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी जो हैं भाई असगर मियाँ जी हैं, और वो यहाँ पे देख रहे हैं अपने काफ़ी समर्थकों के बीच इनके आवास पे हैं जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। जैसे कि देख रहे हैं चुनावी सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है और सभी प्रत्याशी अपने अपने भाग आजमाने के लिए निकल चुके हैं। तो आज हमने इनके पंचायत का दौरा किया और देखा कि क्या विकास हुआ है। तो देखा कि यहाँ की जनता बोली कि नहीं, विकास हुआ है। नल जल के बारे में भी बोली कि हाँ, हमारे यहाँ टाइम पे पानी आ जाता है। तो हम आज बात करेंगे कि मुखिया जी, सबसे पहले मुखिया जी बैठिए, सबसे पहले मुखिया जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी, जो आपको इतना जोरदार समर्थन मिल रहा है इस पंचायत के लोगों से? अरे तो आप हल्का फल्का चले एक बैग, अगर तनकी तो पहले से जानकारी रहता तो हम तो यहाँ जुटा देते 500 आदमी के, खाली कह देते 500 आदमी आके आपको स्वागत करता है। बाकी तो एक बैग आके कहे मतलब चले है तो कहाँ है, तो अगल बगल के लोग है। हमने जैसे कि आपका क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, आपका पंचायत का भ्रमण कर रहे थे, विकास की खोज कर रहे थे, तो यहाँ की जनता से हमें मालूम चला, हमने पूछा कि नल जल की क्या स्थिति है, शौचालय की क्या स्थिति है, तो लोगों ने कहा कि 90% शौचालय की सुविधा है, नल जल टाइम पे आ जाता है। तो उसी में हमें आने में लेट हो गई। तो जनता का मिजाज सही है, और इस बार क्या लगता है मुखिया जी, दोबारा आप सुनिए ना, ये तो हमारा को के पंचायत में नहीं घूमे हैं जी, ऑपरेशन घूमे हैं जी सर। तो जनता का कहे, आप कहे मतलब आप जानते होंगे ना, जनता का बोले हैं आपसे? नहीं, जनता बोली कि कार्य हुआ है, कार्य हुआ है जी। तो ऐसे ही जो हमारा एको आदमी हमारे घर से आपको साथ भेजते हैं हम, तो लोग सिखा देता जो हाँ इससे फलना फलना इसको आदमी इससे कोई, तो अपने मन ही घूमे हैं पंचायत में जी सर, अपने मन से घूमे हैं, मन से घूमे हैं। तो जनता क्या बोलती है पंचायत को, उसको मालूम हो गया आपको? नहीं, जनता तो असगर मियाँ का नाम ले रही है। हम ले रहे तो ऐसे ही बुझिए कहे मतलब जो हम क्या काम कर रहे हैं, और जनता जनता है कितना काम कर रहे हैं, जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे, वादा है हमारा, वादा है, हाँ वादा है। जो मुखिया जी, कुछ लोगों का कहना था कि कुछ जगह कार्य रोड का अधूरा छूट गया है, हाँ उसके बारे में मुखिया जी क्या? अरे सुनिए ना, अब की बार तो रोड खोजना पड़ेगा बनाने के, 20% रोड बाकी है, 80% काम रोड के क्लियर है, 20% बाकी होगा पूरा करेंगे, फिर उसके बाद तो रोड खोजना पड़ेगा, कौन बनेगा यहाँ रोड। तो जैसे देख रहे हैं कि ये आपका चुनाव चिन्ह भी मोतियों का माला है, और एक ही नंबर पर है मुखिया जी, आपको फर्स्ट तो ऐसे ही मिल गया है, फर्स्ट मार दिए हैं, फर्स्ट हमारा नाम है, फर्स्ट है तो दूसरा को फर्स्ट नाम है हमारा, हमारा काम फर्स्ट है तो कहे ना कि कौन काम तो फर्स्ट हमारा ही करेगा। तो मुखिया जी, मोतियों का माला जो है वो काफ़ी शुभ माना जाता है, उसके बारे में आप क्या कहिए? ना ना, मोती के माला तो कहे कि मैं सब एक नंबर में ऊपर चुनाव चिन्ह है, मोती के माला है, 20% वोट तो हमारा सही पड़ जाएगा मोती के माला से, तो मतलब एक नंबर में है, मतलब आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस है? हाँ, पूरा जनता हमारा कहे कि मतलब ना ना, हम ये नहीं कहते हैं हमारा फुल है, हमारा जनता बताएगा। आप पंचायत में घूमे हैं, जनता आपको बता दिए होंगे जसगर मियाँ के क्या कार्यक्रम है, क्या उसका अथी है, एक वरिष्ठ आदमी। अच्छा, यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील कहेंगे मत, हम कहेंगे जो फिर एक बार हमको मौका दे, फिर एक बार जिताएं, जनता का विकास हम करेंगे, साथ में रहेंगे और साथ में रहते हैं, एक बरस से 5 वर्ष हम किए, हम जिंदगी भर जनता के साथ रहते हैं, माने इससे भी बढ़कर आप काम कीजिए, हाँ, आदर्श पंचायत बनाने का। और 5 वर्ष सीखे हैं अभी। अच्छा, अभी सीखे हैं, सीखे हैं, अगर बात काम करेंगे यहाँ पे, हाँ और भी जनता है, इनसे बात करेंगे। चाचा, हाँ बोलिए, मुखिया जी के बारे में क्या कहिएगा? मुखिया जी एक नंबर में है, एक नंबर में है, हाँ। मुखिया जी आप लोग के सुख दुख में उपलब्ध रहते हैं? एकदम, हम लोग घर के आदमी हैं तो सुख में नहीं रहे हैं, हमारे परिवार के आदमी तो हैं। इस बार दोबारा आप इनको? हाँ हाँ, इनको तो दे दिया है, पहले ही कर दिया है, दे दिए हैं, हाँ पहले ही दे दिया है। नाम बता दीजिए अपना। राम दुलार सिंह। यहाँ पे हमारे युवा वर्ग के साथी भी हैं, इनसे बात करेंगे।
आप युवा हैं, युवा देश का भविष्य होता है, आप अपना भविष्य पंचायत का किसके हाथों में सौंपना चाहते हैं? हमारे मुखिया जी बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या मुखिया का नाम है? असगर मियां। अच्छा जी, तो मतलब कि क्या मुखिया जी के द्वारा यहाँ विकास का कार्य हुआ है? यहाँ पे जो नल जल का जो काम है पूरा हो गया है, और बिजली का है, और रोड वगैरह सब कुछ क्लियर है। इधर थोड़ा बहुत बाकी है, तो मुखिया जी का ये जो सपना है उम्मीद सब कर देंगे, बता रहे हैं हम लोग से। अपना नाम बता दीजिए। समीम अली। यहाँ पे देख रहे हैं और भी हमारे युवा वर्ग के साथ। मुखिया जी के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे व्यक्ति? मुखिया जी तो बहुत अच्छा है, बहुत काम करने की जरूरत है जी। और जो सड़क की क्वालिटी है, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं गिट्टी ऊपर ही दिख रहा है, यानी कि उसमें सीमेंट की कमी है। नहीं, नल जल है कि अभी चुनाव का टाइम चल रहा है तो पानी रेगुलर आ रहा है, लेकिन पहले ऐसा कंडीशन नहीं था। सुबह 2 घंटे आप कभी आया कभी नहीं आया, ठीक है। लेकिन अभी ठीक है, अभी इलेक्शन के टाइम जब से प्रचार प्रसार शुरू हुआ है ठीक ठाक है। शौचालय के लेकर आपकी पंचायत में क्या स्थिति है? शौचालय को लेकर लोग जागरूक हुए हैं, पहले से जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी कमी है। लोगों के पास अभी भी उतने फंड नहीं है कि वो शौचालय बनवा सकें। कुछ घरों में, मतलब मोर देन 50% घरों में अभी भी शौचालय है, लेकिन अभी भी ये मान के चलिए कि 40% घरों में शौचालय नहीं है। लोग बाहर जाते हैं तो ताकि उनके पास फंड की कमी है, तो अगर उनके लिए उनको कोई सपोर्ट मिले गवर्नमेंट से, तो लोग भी अपना कुछ करवा सकते हैं। तो दोबारा आप अपना मुखिया किसे चुनना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो मतलब थोड़ी सी सेक्रेसी वाली बात हो जाती है। नहीं, मीडिया चैनल को पहले ऐसे बोलना कि हम इसको वोट देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मतलब इनके वर्तमान मुखिया जो है उनके कार्यों से? हाँ, क्योंकि पहले जो भी मुखिया रहे हैं उनके कंपेरिजन में बेहतर तो हैं। मतलब ये वर्तमान मुखिया जो है, हाँ, बेहतर है, बेहतर तो हैं, लेकिन फिर भी जनता अभी उतनी सेटिस्फाइड नहीं है। और भी बेहतर किया जा सकता था उनके द्वारा, जो उन्होंने किया नहीं, तो देखिए क्या होता है फिर। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शशि कुमार प्रसाद है, मैं BSNL में जूनियर इंजीनियर हूँ, अभी छुट्टी में घर आया हूँ। तो ये थे शशि जी, जो JEE साहब हैं। आगे इनसे और भी कहाँ गए? व्हाट्सएप चले गए? चलिए ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ के जनता बोल रही है कि नल जल की जो स्थिति है वो अच्छी है, और कुछ कार्य जो है वो अधूरा छूटा हुआ है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही होगी जो मुखिया जी के द्वारा नहीं हुआ हो, या कुछ अंदरूनी बात हो, उस पर भी हम चल के उनसे पूछेंगे कि सवाल करेंगे कि मुखिया जी किस चलते अधूरा छूटा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वार्ड के जो सदस्य है वो यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे वार्ड प्रत्याशी। हाँ, कितना नंबर वार्ड? 5। सेव कर लीजिए। मुखिया जी के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे व्यक्ति? मुखिया जी तो बहुत अच्छा है, बहुत काम किया अच्छा, जितना में है, जितना मैंने फंड आया जो आया वो काम बोलिए तो अच्छा किया हम लोग देखने में। बाकी दूरा जो रह गया है वो समझे पूरा करेंगे, फिर एक बार सब लोग सहायता दे, वोट दे, जिताए। अभी मुखिया जी के विश्वास है जनता पर, हमारे को भी विश्वास है मुखिया जी पर। जब मुखिया जी आपकी पार निकलेंगे पूरा फुल वोट से निकलेंगे, हम लोग साथ हैं मुखिया जी के। अच्छा, मतलब आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है? हाँ, हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस है, पूरा मुखिया जी निकलेंगे, पूरा मुखिया जी के वोट है। देखिए, ये देखिए सानी बसंतपुर पंचायत है, जो बरारी और सानी बसंतपुर का लड़ाई होता था। यहाँ का ये बहुत बड़ा गांव है, तभी भी बरारी गांव का श्री भगवान सिंह यहाँ 35 बरस मुखिया ही का राज चला है। छोटा मोटा गाँव हुआ 700 मात्र वोट है, यहाँ पर कम से कम 2200 वोट है। तो आज जो अति पिछड़ा के अनुसार ये चला गया यहाँ पर सीट, तो उनके अनुसार से यहाँ ऑस्कर मियाँ जी और बहुत से साथी उस वक्त चुनाव लड़े हुए थे मैदान में, इस वक्त वहाँ 700 जो वोट है वहाँ से एक भी प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा हुआ है, ये दिमाग अस्थिर से सोच समझ कर देखना चाहिए और वोट देना चाहिए। क्योंकि बरारी गांव का पर ही सभी लोग मुखिया प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन टिके हुए हैं बरारी गांव पर ही, जो किधर का पाला किधर चल जाएगा। इसीलिए अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम रविंदर कुमार राय है, जो पूर्व जिला परिषद धर्मनाथ राय जी का मैं भतीजा हूँ, जो बरारी गांव का सपोर्ट
ऑस्कर मियां जी को मिल रहा है, इसीलिए वहां से एक भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुए, नहीं तो एक बच्चे को भी हम लोग लड़ा देते हैं तो वहां से 450 वोट आता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता खुल कर बोल रही है कि भाई असगर मियां को हम लोग अपना बहुमत देंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे अपना प्यार देगी। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अनिल गोरिया कोठी प्रखंड के, मैं अनिल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिवान जिले के गोरिया कोठी प्रखंड के सानी बसंतपुर पंचायत में। जैसे कि हमारी टीम पंचायत दर पंचायत विकास की खोज में निकली हुई है और क्या विकास हुआ है इस पंचायत का वो हाल जानने के लिए हम आपको दिखाएंगे कि वर्तमान जो मुखिया है उनके द्वारा क्या कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, हम वो सब आपको दिखाएंगे। यहाँ के जनता से हम पूछेंगे कि क्या विकास हुआ है। और जैसे कि चुनावी सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज़ चल रही है, आने वाले 15/11/2021 को यहाँ पे वोटिंग पड़ने वाला है। देखते हैं कि यहाँ की जनता किसे अपना मुखिया दोबारा बनाती है। सबसे पहले चलेंगे जानने के लिए क्या विकास हुआ है। चाची विकास भइल बा बे, काम भइल बा कुछ ना हमरा की यो बना सुना छी उम्र ज्यादा बचे दे। हां ये इधर क्या भाई बता दे रहा है, नहीं बोलिए बोलिए। अरे युवा है आप, डर कह रहा है। ये ना बोलिए, कैसे कार्य हुआ है आपके पंचायत में? हम तो यहां पर रहे ही नहीं तो हम कैसे जाने। अच्छा धन्यवाद चाचा। विकास हुआ है? विकास ही हुआ है, देखे नहीं रहे रोड कैसा हुआ है, हुआ ये कहीं विकास हुआ है। अच्छा, और बस देख रहे हैं सब खाड़िए पड़ा हुआ है इधर से पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक ले। और नल जल का क्या स्थिति है? ठीक है वो ना। अच्छा हाँ, नल जल ठीक है, नल जल ठीक है। तो आने वाला समय में जैसे कि 15 तारीख को यहाँ वोटिंग है, तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मैंने वोट देने के लिए। हाँ, किसे अपना मुखिया दोबारा बनाना पसंद करेंगे? देखेंगे जो पसंद पड़ेगा तो उसे करेंगे, उसी का जो अच्छा रहेगा वो करेंगे, जो अच्छा रहेगा करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। भुवनेश्वर प्रसाद। यहाँ भी और भी चाचा चाचा विकास का भइल बाबे रउआ पंचायत में चाहे रहू वार्ड में? अब तो हमने उतना घर तो रही ले सना। अच्छा, तो माने जैसे नल जल बावे एकर स्थिति का बावे? ठीक बावे, ठीक बा। तो और कोनो कमी रहुआ दिखाई देता है अपना स्तर से ए वार्ड में? जी ना ठीक है, माने जन मुखिया जी बानी विकास रुआ वार्ड के कले बानी चाहे पंचायत के? हाँ ठीक बनी, ठीक बनी। यहाँ और भी हमारे युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे। भाई जी आपका वार्ड में काम हुआ है? हाँ काम तो हुआ है, लेकिन अभी भी करने की ज़रूरत है। करने की जैसे सड़क देख रहे हैं आधी यहाँ पे लाके छोड़ दी गई है, इसको कंप्लीट। इनसे बात करेंगे। जो मुखिया जी थे उनके द्वारा कार्य हुआ है? हाँ कुछ कार्य तो ठीक हुआ है, बसर दे अब आप सब आदमी के तो समस्या अलग अलग होती है, तो अब सब लोग की समस्या तो नहीं सुलझाई जा सकती है। तो ये बात है कि अब पूरा पंचायत में सबका अलग अलग समस्या है, सबका लेकर चलेगा तो फिर सब सार्वजनिक न करना है उसको, एक आदमी को पर्सनल मुद्दा बना के नहीं न कर सकता है किसी को। तो इसीलिए अब कोई आदमी सोचता है कि हाँ ठीक हुआ है, कोई आदमी सोचता है कि ठीक नहीं हुआ है, पेंडिंग है। अब जो भी उसके जितना उससे हुआ वो किया है, अब अगला वर्तमान में अब आदमी चाह रहा है कि नया कोई बने तो अच्छी की बात है कि अच्छा हो करे, नया बनेगा तो अच्छा ही करेगा, यही है बस, दूसरा कुछ नहीं है। सबका अलग अलग थॉट है और सबका अलग अलग सोच है, मतलब कि मुखिया क्या मतलब कि सबका साथ साथ नहीं ना कर सकता। सब जगह सब लोग सोचेगा कि मतलब कि हम हमारे इलाके में नहीं हुआ है, उसके इलाके में नहीं हुआ। तो अब नल जल की क्या स्थिति है? अभी हमारे यहाँ नल जल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अभी सबके घर में पानी टाइम टू टाइम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नल जल के वार्ड हमारा सही है, सही है। हाँ बिल्कुल, अब पानी की कोई समस्या नहीं है, शाम सुबह दोनों टाइम मतलब पानी देता है। मुखिया जी लोगों के सुख दुख में मौजूद रहते हैं? बिल्कुल, जब भी बोला जाता है कि मुखिया जी ये मेरे गांव में ये समस्या है तो आकर बोलते हैं कि ठीक है हम आएंगे। आप आते हैं? हाँ बिल्कुल, इनसे भी बात करेंगे। पता नहीं इनका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, अभी तो नहीं है, मतलब हो जाएगा 1-2 महीने बाद। अपने घर के गार्जियन माता पिता यहाँ के कैंडिडेट में या जो पूर्व में रहे उन
उनके पास ये नहीं है। मेरे हिसाब से एक क्षणिक विकास हुआ है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए अगर हम बेहतर समाज बनाना चाहते हैं और कोई संदेश देना चाहते हैं तो परिवर्तन की दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, कोई नया? ये तो मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, जनता चाहेगी वो फैसला करेगी। आने वाला जो 17 तारीख होगा उस दिन रिजल्ट होगा, उसका हमें इंतजार करना है। इनसे ही बात करेंगे हम। मुखिया जी के द्वारा जल नल की स्थिति क्या है आपकी पंचायत? अभी तो जल नल सही चल रहा है। सही है, सही है। जैसे कि 7 निश्चय योजना जो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री का था, वो सबसे विफल योजना जनता के द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन आपके पंचायत में माने सफल है? सफल है, चल रहा है, पानी चल रहा है। माने मुखिया जी कार्य किए हुए? हाँ, किए हैं। और रोड की स्थिति? ठीक ही है, कहीं कहीं बना है, कहीं कहीं बाकी है, पूरा नहीं बना है। अच्छा, माने आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? अब ठीक ही है, सही है, सही है। अपना नाम बता दीजिए। जी, उपेंद्र कुमार नाम है मेरा। धन्यवाद।